किसी भी टाइप की लो क्वालिटी की वीडियो को हाई क्वालिटी में बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं जस्ट वन क्लिक की मदद से। दोस्तों आप किसी की भी वीडियो को दोस्तों हाई क्वालिटी में बनाना चाहते हो और वो भी दोस्तों कैप कार्ट में, बहुत ईजी एडिटिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को कोई भी पार्ट मिस ना करे, आज की वीडियो मुकम्मल इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन बताऊंगा बहुत ही कमाल का धमाकेदार एप्लीकेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो सिंपल सा दोस्तों इसके लिए मैंने आप दोस्तों को नीचे डिस्क्रिप्शन में कैपकार्ट के भी लिंक मिलेगा और जितने भी मटेरियल होंगे सबका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो सिंपल सा हम कैपकार्ट को ओपन करेंगे और दोस्तों जो भी मैं आप लोगों को स्टेप बताऊंगा वो ही आपने फॉलो कर देने हैं और फिर आपने देख लेना है आपकी वीडियो की क्वालिटी किस तरह इंक्रीज हो सकती है। सो सिंपल सा दोस्तों हम कैपकट में आ चुके हैं और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी वीडियो होगी, जिस भी वीडियो को दोस्तों आप क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हो, सो सिंपल सा दोस्तों ये वीडियो आपके पास आ गई है और सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी मेथड और जो भी स्टेप मैं आप दोस्तों को बताऊंगा दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता आपने फॉलो कर देने हैं, 2 से 3 स्टेप आपने फॉलो कर देने हैं, उसके बाद दोस्तों आपकी वीडियो का रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वीडियो आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने काम क्या कर देना है, यहाँ पर आना है और इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने आना है, आपके पास दोस्तों मैंने फेवरेट पे ऑलरेडी जो फिल्टर लगाए हुए हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, तो कॉमिक पे आपने आना है और यहाँ पर कॉमिक पे आने के बाद दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम आपने कर देना है कि इसको ब्लैक स्टिक पे क्लिक करना है, ब्लैक एंड वाइट पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको आपने फुल कर देना है। फुल करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, मैं आप लोगों को 2 स्टेप्स बताऊँगा और दोनों वर्किबल है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये पता होगा किसी और वीडियो में आपने चेक की होगी, मगर ये दोस्तों अलग मैं आप लोगों को मेथड बताने वाला हूँ। तो सिंपल सा ये आपने कर देना है, ठीक है। सो ये करने के बाद दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर आना है और पीछे वीडियो इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पर आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक पे। सो बेसिक पे आपने आना है, यहाँ पर बेसिक पे आने के बाद ब्लर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर दोस्तों आपने फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जितना भी ब्लर एरिया है ये सब आपने कर देना है। करने के बाद दोस्तों सिंपल सा इस वीडियो को आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये वीडियो आपके पास सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में। 3 स्टेप आपने कर देने हैं, उसके बाद दोस्तों आपके रियल का फुल पता चल जाएगा। उसके बाद पहले जो आपने ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक किया था उसको उसी इफेक्ट को आपने रिप्लेस कर देना है नैनो में, ठीक है। सो नैनो पे आने के बाद यहाँ पर नीचे नैनो पे आपने इसे प्लेस कर देना है, इसी वीडियो को भी आपने सेव कर देना है। ये 2 बार आपने सेव कर देना है, 3री बार भी आपने सेव कर देना है, मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 3री बार भी सेव कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको डिलीट, और डिलीट करने के बाद सिंपल सा इसको भी कर लेता हूँ डिलीट। सो यहाँ पर डिलीट करने के बाद इस वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद सिंपल सा मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पर एडजस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको ग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों ये ग्राफ का ऑप्शन पे कुछ आपने इस तरह कर देने हैं। तो इस तरह करने के बाद मैं आप लोगों को मेथड बताऊँगा मुकम्मल, आपकी वीडियो का खुद ही आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा यार। सो सिंपल सा यह करने के बाद दोस्तों सिंपल सा आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैक जाना है और यहाँ से भी बैक जाना है, उसके बाद दोस्तों इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ब्लर का ऑप्शन आपने से यहां पर ऐड कर देने हैं, जो आपको पास मैंने आपको बता दिया था ब्लर का। सो ब्लर फिर से आपने एक्टिव कर देना है, एक्टिव करने के बाद आपके सारे वीडियो पे ब्लर आ चुके हैं, अब इस वीडियो को भी आपने सेव कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपका मेथड शुरू हो चुका है, आपका ट्रिक शुरू हो चुका है वीडियो। सो सिंपल सा आपने न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है और इस वीडियो को फिर से आपने एक बार इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। सो इंपोर्ट करने के बाद सिंपल सी वीडियो आपके पास आ चुकी है, इसका लास्ट बार आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपल सा इस वीडियो पे क्लिक कर दे और यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन मिल जाता है, ओवरले पे क्लिक कर देना है, ऐड ओवरले पे क्लिक कर देना है। अब जो फर्स्ट वाली वीडियो है उसको आपने इंपोर्ट कर देनी है, उसके बाद 3री भी वीडियो आपने इंपोर्ट कर देनी है, इस वीडियो को कर देना है आपने फुल। फुल करने के बाद सिंपल सा स्प्लिसी पे आपने जाना है और यहाँ पर आपने वही मेथड कर देना है जो आप ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड दोस्तों आपने कर देना है। करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर आपने आना है, ये हो गया आपका फर्स्ट वर्क। फर्स्ट वर्क करने के बाद फिर से आपने ऐड पे जाना है और ऐड पे जाने के बाद जो आपका ब्लैक एंड वाइट था उसको आपने ऐड कर देना है, उसको भी दोस्तों आपने फुल कर देना है, ठीक है। फुल करने के बाद स्प्लिसी पे आपने जाना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ब्राउन पे, सॉरी ब्राउन पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर 40:10 पे आपने रख देना है। उसके बाद फिर से आपने जाना है और दूसरे पार्ट को भी दोस्तों आपने इसी तरह इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल सा आ चुका है, अब यहाँ पर आने के बाद स्प्लिसिफाई पे आपने जाना है और यहाँ पर ओवरले पे क्लिक कर देना है, और ओवरले पे क्लिक करने के बाद इसकी भी तो मुकम्मल 10 पे कर देना है, ठीक है। 10 पे करने के बाद आपकी वीडियो का रिजल्ट कुछ इस तरह आ चुका है। अब यहाँ पर आपने जाना है, जो मैंने आपको पिक्चर का बता दिया था दोस्तों, वो वाइट कैसे
सैमसंग का आपको पिक्चर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से ये पिक आपने डाउनलोड कर देने हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये आपने डाउनलोड कर देने, खुद भी एडिट कर सकते हो, मैंने भी दिया हुआ है, सो आपकी मर्जी है। बाकी सिंपल से यह करने के बाद दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर इस पिक पे आपने क्लिक कर देने, इस प्लेस पाई पे जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा। और ले पे भी क्लिक कर सकते हो, और ले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो मुकम्मल वीडियो है उसमें लाइटनेस आ चुकी है। अब ये पार्ट हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने वीडियो का पहले बार आपकी वीडियो का रिजल्ट मुकम्मल बेहतर हो चुका है। तो इस करने के बाद आपने इसको वीडियो में 8GB में सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका मुकम्मल वीडियो सेव हो जाएगी। सेव वीडियो होने के बाद दोस्तों आपने डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको मैंने दिया हुआ है टाइम कार्ड का एप्लीकेशन का लिंक, सो यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद क्वालिटी इन्हांस पर आपने जाना है और यहाँ पर इंटर पर क्लिक कर देना है और इसी वीडियो को यहाँ पर भी इम्पोर्ट कर देना है। थोड़ा सा वेट कर देना है, ये वेट को प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपके वीडियो का रिजल्ट मुकम्मल एक्टिव और मुकम्मल दोस्तों 4K और CC में आ जाएगा। 100% में आप दोस्तों को गारंटी दे सकता हूँ। दोस्तों किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, इशू हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से कर दीजिए। इसके बाद आपकी वीडियो सेफ हो जाएगी, आपने वीडियो का इजिली सेव कर देना है और आपके वीडियो का रिजल्ट मुकम्मल HD में क्लियर आ जाएगा 100%। तो मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद हम देख चेक कर लेते। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा मुकम्मल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप हमारी वीडियो का आप लोगों को रिजल्ट देख सकते हो। हमारी वीडियो पहले इस तरह थी, आफ्टर में इस तरह है और वीडियो को सेव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है।